क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हुए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, या मेडिटेशन की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे मैं लोकल सेमिनार कर रहा हूँ, चाहे या फिर कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ या ईमेल्स पे। तो आज मैंने सोचा दोस्तों, ये जो मेडिटेशन वाला सब्जेक्ट है बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बना हुआ है, तो थोड़ा इसे ब्रेक डाउन करते हैं आसान सी हल्की फुल्की भाषा में, आपके मत्थे में घुस जाए इस प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर फ्रॉम एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास है मेरे दोस्त, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो राज ना ही मैनिफेस्टेशन गोल पूरा करेंगे, लेकिन इस जिंदगी को एक खूबसूरत फिल्म बना देंगे जिसे रोज आप रिवाइंड करोगे, देखते जाओगे आपके मत्थे में। तो चलिए ज्यादा चिटचैट नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि आज मैं कोई गुरु या कोई मेंटर की तरह बात नहीं करने वाला हूं, आज मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, एक दोस्त, आप जो समझे वो समझ के बात करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी उस बात को समझे, चाहे आप मुझे आपका फैमिली का मेंबर समझे, चाहे आपका बड़ा भाई समझे, चाहे आपका दोस्त समझे, क्योंकि ये चीज जो आपको मैं बताने वाला हूं ये वास्तव में आपकी जिंदगी बदल नहीं, पूरी जन्नत बना देगा। जी हाँ दोस्तों, जन्नत बना देगा। क्यों, आज के वीडियो में क्या ऐसी खास बात है? देखिए दोस्तों, मेडिटेशन टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, और जब भी मैं सेशन कंडक्ट करता हूं स्टूडेंट्स के साथ, तो मेडिटेशन वाले टॉपिक पे, क्योंकि समय थोड़ा कम होता है उनसे बात करने में, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि आप उसे सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं। पर आज मैंने सोचा कि आज ये जरूरत है कि आपके साथ ये मेडिटेशन का जो टॉपिक है इसे क्लियर करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में, जैसे और सारे वीडियोस में होता है, मेडिटेशन ये है, मेडिटेशन वो है, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, ये सारी बात नहीं करूंगा। देखिए दोस्तों, जब भी कोई चीज के बारे में आपको पता चले तो दो प्रश्न आपके मन में आने चाहिए। पहला प्रश्न है व्हाई, क्यों भाई, क्यों करें हम, क्यों। दूसरा प्रश्न है हाउ, कि चलो ये समझ लीजिए क्यों करें, अब प्रश्न आता है हाउ, कि कैसे करें। तो आज बस इन दो प्रश्नों से जुड़ी हुई सारी बातें मैं क्लियर करूंगा मेडिटेशन टर्म से रिलेटेड। सबसे पहले कि भैया मेडिटेशन क्या है। देखिए दोस्तों, मेडिटेशन कोई छोटा सा शब्द सब्जेक्ट नहीं है, मेडिटेशन इज द वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर बिगिनियर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, या कह लीजिए एक्सट्रीम लेवल एडवांस मेडिटेशन, बहुत सारे टॉपिक निकल के आते हैं। आज मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात करूंगा जिन्होंने मेडिटेशन शुरू किया है, या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, मेडिटेशन करने में जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन लोगों के लिए ही आज मैं बात करूंगा। मेडिटेशन को आप बस इतना समझ लीजिए कि दोस्तों, बीइंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट, वो है मेडिटेशन। या बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं तो, आप अगर मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, वहां जाके उस डिवाइन के सामने जब सर झुकाते हो, तो 5 मिनट या 7 मिनट का जो समय है, जब आप बाहरी दुनिया से डिसकनेक्टेड हो चुके हो और आप आपकी ही अंदर ही दुनिया में हो, एक डिवाइन के साथ हो, उस एनर्जी के साथ हो, ये क्या है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। योगीज, जो साधु संत है हमारे एंशियंट हिस्ट्री के, जो योगीज हैं, जो ध्यान लगा के बैठते हैं, वो क्या है, वो एक्सट्रीम लेवल का मेडिटेशन है। अब ये हो गया मेडिटेशन से रिलेटेड चीज कि मेडिटेशन क्या है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा आप घुसेंगे उस चीज में, ये चीज उतनी ज्यादा एक्सपांड होती जाएगी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप सिर्फ इस छोटे से आइडिया को दिमाग में डाल लीजिए, मेडिटेशन का मतलब है टू बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, डूइंग नथिंग, बीइंग इन अ वॉइड, ये हो गया मेडिटेशन। अब सवाल आता है कि मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, अगर मैंने लंबी बात की तो एक हफ्ते तक मैं इस टॉपिक पर बात कर सकता हूं, बहुत चंद छोटे से शब्दों में ये टॉपिक खत्म करूंगा मैं। मेडिटेशन क्यों जरूरी है दोस्तों, देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूं। एंशियंट हिस्ट्री में, खास करके हिंदू हिस्ट्री में, आपने ये बहुत सारी कथाएं, दंत कथाएं भी हैं जो सुनी होंगी, कि जब कोई ऋषि मुनि तप करते हैं, ध्यान धर के बैठते हैं, तो ध्यान धरने के बाद जो देवता है, जैसे कि इंद्र है या उससे हायर पावर है, घबरा जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, उस एनर्जी का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि जो सुपर नेचुरल पावर्स की जो हम बात करते हैं, यानी सुपर ह्यूमन की बात करते हैं, वो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होने लगती है।
कैसे डेवलप होती है यानी हाउ, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस कंसेप्ट को समझिए। जैसे कि एग्जांपल, आपने देखा होगा बहुत सारी, अब तो रामायण महाभारत आप देख ही रहे हो राइट, कि ऋषि मुनि है वो अपने मन की गति से यहां से वहां जा सकते हैं, आ सकते हैं। आज भी यूट्यूब पे ऐसे सुपर ह्यूमन आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा सुन सकते हैं, बहुत अच्छा देख सकते हैं, अपने हाथों के पावर से नजर में कितनी सारी ईंटें तोड़ सकते हैं। ये सारी एबिलिटी कहाँ से आती है? मेडिटेशन से आती है। आपने चाइनीज मॉन्क देखे होंगे, आपने कंफू मास्टर देखे होंगे, जिनके पास वो फिजिकली फिट होने से पहले मेंटली फिट होते हैं। ये मेंटली फिट होना ये पावर है मेडिटेशन का। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली साइंटिफिकली बताता हूँ कि ये कैसे होता है, हाउ डिड इट पॉसिबल। देखिए दोस्तों, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते वक्त कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर पे पड़ती है। कॉस्मिक एनर्जी क्या है, इसके ऊपर ये बहुत ब्रीफ टॉपिक है, तो कभी ब्रीफ चर्चा करेंगे। अभी आपको सर्च करना हो तो आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। कॉस्मिक एनर्जी, सारा खेल कॉस्मिक एनर्जी है। कॉस्मिक एनर्जी को हम वाइब्रेशंस भी कहते हैं एक अलग थ्योरी में, उस थ्योरी की चर्चा कभी और करेंगे, अभी हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करेंगे। दोस्तों जब आप सोते हो, जब आप सो गए हो, तो आप कॉन्शियसली मर चुके हो, यू आर डेड व्हेन यू आर स्लीपिंग। कॉन्शियसली आप जब सोते हो तो कॉन्शियसली कोई थॉट्स आपको नहीं है, नहीं आ रहे, ना ही आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, सो यू आर डेड प्रैक्टिकली। अब किसी मुर्दा इंसान पे उस कॉस्मिक एनर्जी का कितना भी वो पड़ जाए, लेकिन नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होता। कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर पे 24/7 आती है यूनिवर्स से, यानी जो किरणें हैं वो आपके शरीर पे पड़ती रहती है, लेकिन आपका शरीर कब उसे ऑब्जर्व करेगा, वो कौन सा स्टेट है, जिस स्टेट में आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारी एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। तो वो स्टेट है मेडिटेशन स्टेट, यानी कि जहां पे आप ना सोए हुए हो, यानी कि ना ही आप मृत अवस्था में हो, ना ही आप जागृत अवस्था में हो, आप अर्ध जागृत अवस्था में, इन मिडल बिटवीन ऑफ दिस, यू आर इन दिस स्टेट वेर यू आर नॉट कंप्लीटली अस्लीप, वेर यू आर नॉट कंप्लीटली अवेकन, यानी कि इन मिडल ऑफ दिस, अर्ध जागृत अवस्था जिसे कहते हैं। आप जब इस अवस्था में हो तो कॉस्मिक एनर्जी का 100% बेनिफिट आपको होता है, क्योंकि वो एनर्जी आपकी बॉडी एब्सॉर्व करती है। अब ये एनर्जी के ऊपर कभी किसी समय बहुत बढ़िया सा वीडियो भी लाऊंगा ताकि ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, लेकिन अभी क्लियर करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो और ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो ये सारा खेल है कॉस्मिक एनर्जी का, कि जब आप इस प्रैक्टिस को बढ़ाते हो तो यही कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर एबिलिटीज डेवलप करती है, चाहे वो आप अच्छा सुन पाओ, अच्छा गा पाओ, आप किसी भी चीज में अच्छा फोकस कर पाओ। एग्जाम्पल, मेडिटेशन प्रैक्टिस बढ़ते 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 आप किसी भी काम को करते हो आपका 100% दोगे, चाहे वो रात को ब्रश करना हो या सुबह ब्रश करना हो, या फिर रात को आप आपका बिस्तर सही कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, आप छोटे से छोटे काम में आपका 100% फोकस दोगे। सीधी सी बात है दोस्तों, प्रैक्टिकली प्रूवन है कि 100% फोकस के साथ कोई काम करते हो तो उस काम में आप एक्सपर्ट बन जाते हो, आपसे बेहतर वो काम कोई नहीं कर सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट। तो ये सारा खेल है मेडिटेशन का। अब यही चीज अप्लाई होती है आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, यानी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस बढ़ाते जाते हो कॉस्मिक एनर्जी के साथ जो आपका कनेक्शन है स्ट्रांग होने लगता है। तो वो कहते हैं ना कि 24 आवर्स में मैनिफेस्ट किया है, 48 आवर्स में किया है, अरे छोड़ो यार, 2 घंटे में मैनिफेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, मेरी बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन कर सकते हो दोस्तों, मैजिक के पीछे कभी लॉजिक नहीं होता, यही चीज है। तो ये सारी मेडिटेशन की चर्चा थी, मेडिटेशन ये है, मेडिटेशन वो है। अब मैंने भी थोड़ी बहुत बातें बताई हैं कि मेडिटेशन क्या है, लेकिन बताने का मकसद यही है कि आप इसे आज से इंप्लीमेंट करोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेडिटेशन कैसे करें, बिगिनियर लेवल से कैसे करें। तो आज सिर्फ बिगिनरों की हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था मंदिर वाला, वो सबसे ईजी सिंपल फॉर्म है, लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल, उससे भी सिंपल फॉर्म आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दिमाग में ये रख लीजिए कि मेडिटेशन का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं उठ सकते तो आप दोपहर को कर लीजिए, आपके पास जब टाइम है पूरे दिन में उस टाइम पे कर लीजिए, लेकिन उस टाइम पे 2 चीजों का ध्यान रखिए। अभी आप नए नए हो, बहुत नए हो इस चीज में, तो पहली वो जगह ढूंढे कि जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। दूसरी चीज, फ्लैट बैठ जाइए, चाहे तो आपकी स्पाइन को सीधा रखिए, अगर आप सीधा नहीं रख पा रहे, दर्द हो रहा है, तो कोई सपोर्ट ले लीजिए, चाहे दीवार का ले लीजिए, चाहे सोफे का ले लीजिए, लेकिन कोई सपोर्ट ले लीजिए ताकि आपकी जो स्पाइन है वो अलाइन रहे। अलाइन रहने के बाद सबसे इजी तरीका है रिसीविंग पोजीशन में आपकी जो मुद्रा है, आपके जो हाथ है उसे रिसीविंग मुद्रा में आप रखेंगे, बस ये होगा आपका एंकर। एंकर मतलब कि जो आपके थॉट भटकते रहेंगे तो ये एंकर आप जब भी पकड़ेंगे आपके थॉट्स वापस आ जाएंगे।
तो ये हो गई मेडिटेशन की पोजीशन, ये पोजीशन है। अब एक और सवाल यहाँ पे आता है कि सर आप कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करो ज्यादा बेनिफिट, तो हाँ दोस्त बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन बात हम बिगिनर्स की कर रहे हैं कि शुरुआत तो करो मेरे दोस्त, एक बार शुरू तो कर लो, फिर जो नशा होगा इस मेडिटेशन का खुद उठ जाओगे और झट मार के उठना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना है। तो ये सवाल यहाँ क्लियर हुआ। हाँ अब बात करते हैं पोजीशन के बाद क्या करना है। तो दोस्तों पोजीशन के बाद मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ सिर्फ 3 मिनट से शुरू करो, सिर्फ 3 मिनट मेडिटेशन करो, फिर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ। शुरुआत के 7 दिन में पहले ही एक वार्निंग दे देता हूँ, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जो शायद थोड़ी अटपटी सी लगे। पहली चीज, जब आप मेडिटेशन में बैठोगे नहीं ध्यान लग पाएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दिमाग है, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। अब जब विचार आ रहे हैं तो इन विचारों को किनारे कैसे लगाना है, साइड कैसे करना है, रोकना कैसे? तो सबसे बड़ी गलती यह है मेरे दोस्त, रोकना नहीं है। अगर रोकने की कोशिश करोगे किसी चीज को तो चीज और दम लगा के तुम्हारे पास आएगी, रोकना नहीं है। एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। समझ लीजिए आप मॉल की पार्किंग में, कोई बहुत बड़ा सा मॉल है जिसमें हजारों गाड़ियां रहती है, एक का छोटा सा स्पॉट गाड़ी का पार्किंग के लिए आपको मिल गया, लेकिन जैसे वो स्पॉट खाली हुआ बहुत सारी गाड़ियां आ गई अंदर घुसने के लिए। तो जब आप मेडिटेशन करोगे, आपका ये स्पॉट आप खाली रख रहे हो पार्किंग पार्किंग लॉट, तो सीधी सी बात है ना, बहुत सारी गाड़ियां आएंगी, राइट? किस किस से झगड़ा करोगे? तू नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, किस किस से करोगे? नहीं करोगे ना। तो कभी झगड़ो मत उन थॉट से, बहुत सिंपल है। कब ये सारा पार्किंग लॉट खाली हो जाएगा? जब शाम के 6 बज जाएंगे भाई, जब सब घर चले जाएंगे तो पूरा पार्किंग लॉट खाली है, जो करना है करो। तो उसे खाली करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ईजी है दोस्त, जब भी ये थॉट्स आ रहे हैं, आप 3 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो, समझ लीजिए 30 बार आपका ध्यान उन थॉट्स में चला गया, उन थॉट्स में चला गया। लेकिन 30 बार जब ये ध्यान गया तो 30 बार आपको इस ध्यान को वापस खींच के लाना है, फोकस करना है आपकी सांसों पे, ब्रीथ पे। अब बात आती है क्यों ब्रीथ पे? भाई सांसों में ऐसी क्या चीज है कि सांसों पे ही फोकस करो तभी मेडिटेशन कर पाओगे? दोस्तों फोकस सांसों पे करने का सवाल नहीं है, सवाल क्या है कि मेडिटेशन का मतलब है टू बीइंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट। जब आप सीधी सी बात है मेडिटेशन में बैठे हो, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पास आपका मोबाइल फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर रहे हो? थॉट तो एक नहीं है कि इसके ऊपर फोकस कर सकते हो, हजारों थॉट्स आ रहे हैं, यानी वो भी नहीं हुआ। तो बीइंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट, आप उस मोमेंट में सांसें ले रहे हो, आपके शरीर के अंदर की जो सारी नसें हैं उस नसों में खून दौड़ रहा है, आपका जो दिल है वो धड़क रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, लेकिन दिल धड़क रहा है, अगर आपकी धड़कन सुनना चाहते हो तो कम से कम 1 महीने की प्रैक्टिस करो, आप बिना थेटोस्कोप के धड़कनें सुन पाओगे आपके दिल की, आप नसों को महसूस कर पाओगे कि कैसे खून बह रहा है, यानी कि जो एनर्जी है, यानी कि जो कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर पे आ रही है, आप उस एनर्जी की रे को यानी किरण को महसूस कर पाओगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले शुरू करो 3 मिनट से शुरू करो, आपकी सांसों पर फोकस रखो, क्योंकि उससे ईजी चीज आपके लिए अभी नहीं हो सकती। और एक चीज तो बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, 1 महीना अगर आपने कर लिया ना, तो आपको किसी और इंसान की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिंदगी की ये प्रॉब्लम है मैं क्या करूं, या मैनिफेस्टेशन गोल की ये प्रॉब्लम है मैं क्या करूं, आप खुद ही मास्टर बन जाओगे आपके दिमाग के। लेकिन दोस्तों ये इतना फंडा क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर है, फिर भी क्यों हमें जरूरत पड़ती है, क्यों? बहुत ईजी और बहुत सरल जवाब है। जवाब ये है कि ये एक्सरसाइज करने से पहले मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि जो दिमाग की आपकी जंग है उस पर फतेह हासिल करना जरूरी है। पहले यहां स्ट्रांग हो जाइए, इसे डिसिप्लिन कीजिए कि मुझे ये करना ही है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। करना तो सबको है, आज वीडियो देख के तो अंदर बहुत सारे आपके हार्मोन्स बढ़ रहे होंगे कि मुझे करना ही है, इतने सारे फायदे, मजा आएगा। लेकिन बात क्या है कि वीडियो खत्म हो जाएगी, आपको आपके दोस्त ने बुला लिया, आपकी मदर ने बुला लिया, आपकी गर्लफ्रेंड ने बुला लिया, बॉयफ्रेंड ने बुला लिया, या कोई भी एक्स वाई जेड चीज हो गई, आपका सारा चीज वहीं पर खत्म हो गया। ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, अगर अभी मौका मिल रहा है, अभी टाइम मिल रहा है, 3 मिनट निकालो, मेडिटेशन करो, अभी से करो, इसी वक्त से करो। और कमेंट में लिख के सबसे पहली चीज, खुद को इस मेंटल जंग में जितवाने के लिए लिखो कि मैं अभी से करूंगा, आई विल डू दिस। क्या लिखना है? आई विल डू दिस। क्योंकि जब आप लिखते हो तो इसे सिग्नल जाता है कि मैं करने वाला हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अगर इस जंग में जीत हासिल करनी है तो पहला स्टेप है कमेंट करो और अभी करो। माफ कीजिएगा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सीधी सी बात है, सीखेगा नहीं इंडिया, वो कहते ना, नहीं सॉरी, पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा नहीं, तो सीधी सी बात है, अगर सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे? इफ यू वांट टू अर्न समथिंग, यू हैव टू लर्न समथिंग, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट सीधा सा है, थोड़ा सा समय था आपका जो मैंने लिया है, बहुत बहुत माफी चाहूंगा अगर वीडियो लंबा हो गया है,
लेकिन अगर मेरी बात पसंद आई है, थोड़ी सी मेहनत पसंद आई है, तो लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दो, आपकी तरह फैला दो इस वीडियो को। क्यों भाई? जिन लोगों को जरूरत है उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगी, आपको दुआ देंगे, बोलेंगे जा बेटे तेरा काम हो जाए, तो आपके लिए भी अच्छा है। अगर वीडियो पसंद नहीं आई, मेरी बात पसंद नहीं आई, क्षमा चाहूंगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट में लिख के जरूर बताइए क्या पसंद नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे जरूर से इंप्लीमेंट करूंगा। और जो भी श्रोतागण दर्शकगण पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरी बात पहली बार सुन रहे हैं, अगर पसंद आई है मेरी बात तो दोस्त अभी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो में लाता रहता हूं, क्योंकि जीवन का एक ही गोल है, तुम्हारी जिंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बनानी है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं ऋषभ गौतम, आपका गुरु, आपका मेंटर। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।